नमस्कार दोस्तों, हिंदी टेक मंत्रा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं इंडिगो की वेबसाइट पर ऑनलाइन वेब चेक इन करके अपना बोर्डिंग पास और बैगेज टैग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आप जब भी फ्लाइट के द्वारा ट्रेवल करते हो तो आपके पास बोर्डिंग पास होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप जब भी एयरपोर्ट पर जाते हो तो वहाँ पर आपको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो आज दोस्तों हम उसी समस्या के समाधान के बारे में बात करेंगे कि आप बोर्डिंग पास ऑनलाइन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों गूगल के क्रोम ब्राउज़र पर और ओपन कर लेते हैं इंडिगो का ऑफिशियल साइट, जहां से हम अपना फ्लाइट टिकट या बोर्डिंग पास डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको इंडिगो का ऑफिशियल साइट का लिंक चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल के रख देंगे, आप वहां पर भी डायरेक्टली जाके अपना बोर्डिंग पास डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि हमने अपना इंडिगो का जो ऑफिशियल साइट है ओपन कर लिया है, तो जैसे हम ओपन करते हैं तो हमारे सामने इंडिगो का जो ऑफिशियल साइट है कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है। तो दोस्तों, अभी हमें अपना बोर्डिंग पास डाउनलोड करना है, तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन दिख रहे हैं हमारे सामने। तो हमें जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है बुक के बगल में दिख रहा है, मैनेज का ऑप्शन, हमें इसी पर क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों, जैसे हम मैनेज के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखिए मैनेज बुकिंग के ऑप्शन में नीचे देखिए चेक इन का ऑप्शन दिख रहा है फर्स्ट नंबर पे, तो हमें इसी के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो चलते हैं दोस्तों, हम चेक इन के ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसे हम चेक इन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से विंडो ओपन हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमसे कुछ डिटेल्स पूछे जा रहे हैं, तो हम यहाँ पर रीड कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए चेक इन करने के लिए हमें जो डिटेल्स की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पर लिखा हुआ है, हमें पीएनआर नंबर या बुकिंग रेफरेंस नंबर चाहिए, और आगे जो लिखा है ईमेल आईडी या लास्ट नेम हमारा चाहिए, तो हमें यहाँ पर वो मेंशन करना होगा। तो चलते हैं दोस्तों, हमारे पास जो भी अवेलेबल है, हमारे पास अगर पीएनआर नंबर है तो हम यहाँ पर पीएनआर नंबर अपना मेंशन कर लेते हैं। तो अगर आपके पास दोस्तों पीएनआर नंबर नहीं है तो आप रेफरेंस नंबर के थ्रू भी आप चेक इन कर सकते हैं। तो जैसा कि हमारे पास पीएनआर नंबर है तो यहाँ पर हम पीएनआर नंबर डाल लेते हैं, आगे अपना सरनेम डाल लेते हैं, और सरनेम के अलावा भी ऑप्शन वहाँ पर है, आप अपना ईमेल आईडी भी वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं दोस्तों। तो जैसा कि दोस्तों हमने यहाँ पर अपना सरनेम मेंशन कर दिया है, तो हमने सारे डिटेल्स फिल कर लिया, तो आगे भी चेक इन के ऑप्शन पर हम क्लिक कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे हम चेक इन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारे सामने हमारा जो फ़्लाइट डिटेल है वो ओपन हो जाता है। जैसे कि दोस्तों हमारा जो फ़्लाइट है वन स्टॉप है, तो अभी हमें चेक इन करने के लिए हमें सीट सिलेक्शन करना होगा। अदरवाइज़ यहाँ पर एक और ऑप्शन है दोस्तों, चेक इन थ्रो ऑटो असाइंड सीट, यहाँ इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो ऑटो असाइंड सीट जो है हमें जो फ़्लाइट के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलते हैं हम दोस्तों अपना सीट सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें अभी तुरंत का तुरंत बोर्डिंग पास डाउनलोड करना है। तो जैसे हम सीट सिलेक्शन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर देखिए यू हैव सेलेक्टेड कॉर फेयर फॉर योर बुकिंग बाय सेटिंग, तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन शो कर रहे हैं, तो हम इसे इग्नोर करते हैं और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हम सीट सिलेक्शन के लिए हम आगे बढ़ चुके हैं। जैसा कि दोस्तों हमें जो बोर्डिंग पास डाउनलोड करना है वो फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है, तो हमें जो सीट सिलेक्शन करना होगा दोस्तों वो फ्री ऑफ कॉस्ट का ही सीट सिलेक्शन करना होगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जो सीट होते हैं वो पेड भी होते हैं। तो हम चलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो सीट अवेलेबल है हम उसकी तरफ चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो सीट है उसे कलर वाइज कैटेगराइज किया गया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सा पेड है और कौन सा फ्री है। तो जैसा कि यहाँ पर देखिए आसमानी कलर का जो सीट दिख रहा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो ये देखिए इस पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो देखो जीरो रुपीज़ शो कर रहा है, तो हमने वो सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे सीट अवेलेबल हैं, तो आप इसमें से देख सकते हैं। और यहाँ पर जो कैटेगराइज किया गया है कलर वाइज, देखिए कॉम्प्लीमेंट्री वगैरह, ये सब काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। जो पेड है देखिए एक्सेल एंड एक्सेल, देखिए इसमें जो पेड है 500 का भी जो सीट अवेलेबल है। तो दोस्तों हमने अपना एक सीट सेलेक्ट कर लिया है फ्री ऑफ कॉस्ट वाला, और प्रोसीड बटन पर क्लिक कर दिया है। तो दोस्तों जैसे हम प्रोसीड बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने देखिए बॉम्बे BOM2CCU का जो एक सीट है हमने वो सेलेक्ट कर लिया है फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए 31E जो सीट नंबर है हमने वो सेलेक्ट कर लिया। अब दूसरा CCU2IXA जो एयरपोर्ट है उसका हमें सेलेक्ट सीट करना बाकी है, तो हम इसे सेलेक्ट सीट के ऑप्शन पे क्लिक करके उसका भी सीट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो सेलेक्ट सीट के ऑप्शन पे दोबारा से क्लिक कर लेते हैं दोस्तों।
दोस्तों ये जो समस्या होती है वेब चेक इन के टाइम पे, वो सबसे बड़ी समस्या यहीं पर आती है कि हमें सीट जो सिलेक्ट करना होता है, कई बार यहाँ पर ये दिक्कत होता है कि हमें जो फ्री ऑफ कॉस्ट वाली सीट अवेलेबल नहीं मिलती है, जिसकी वजह से हमें पेड वाली सीट खरीदना पड़ता है और वो हमें काफ़ी महंगी पड़ जाती हैं। इसलिए दोस्तों ज़रूरी ये है कि जब भी आप वेब चेक इन करने जा रहे हो तो आप कम से कम 48 घंटे के अंदर में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप अपना ऑनलाइन जाकर वेब चेक इन करा ले, तो आपको चांसेस है कि फ्री ऑफ कॉस्ट वाली सीटें मिल जाएंगी। जैसे कि दोस्तों हमने सेलेक्ट करने की कोशिश की दोबारा से अपना सीट, तो यहाँ पर देखिए कुछ एरर आ रहा है, सेलेक्ट किया मगर वो दोबारा से जो हमें CCU2IXA का जो सीट है वो नहीं सेलेक्ट हो पा रहा है। तो देखते हैं क्या एरर है दोस्तों, दोबारा से सेलेक्ट कर लेते हैं। तो दोबारा से दोस्तों हम प्रोसीड कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है दोस्तों कि हमने कार फेयर सेलेक्ट किया है बुकिंग के टाइम पे, तो इसलिए हमें पेड सीट ही सेलेक्ट करना पड़ेगा तो ही हमें सीट मिलेंगी। तो चलते हैं दोस्तों हम प्रोसीड कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आपको भी ऐसा एरर आ रहा है कि आपने भी कार फेयर सेलेक्ट किया है तो भी चांसेस है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वाली सीट अवेलेबल मिल जाती हैं। तो देखते हैं दोस्तों हम फ्री ऑफ कॉस्ट वाली सीट ना लेके वहाँ पर और भी ऑप्शन है दोस्तों, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री सीट वगैरह भी मिलती हैं जिसे हमें जीरो चार्जेस पर पेड वाली सीटें मिल जाती है दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों हम वहीं ढूंढ लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखिए ऊपर ऑप्शन जो दिख रहा है वहाँ पर जो हल्का ब्लू कलर में, देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे रुपीज़ के लोगो लगे हुए हैं, मतलब वो सब पेड हैं। तो उसी में से देखिए फ्री सीट भी है क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री सीटें हैं, जो कि वहाँ पर रुपीज़ तो दिखा रहे हैं मगर वो ज़ीरो रुपीज़ है, मतलब कोई चार्जेस, तो फ्री के बराबर ही हो गया दोस्तों। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री जो सीटें हैं दोस्तों, इसी में से कोई एक हम सीट सेलेक्ट कर लेते हैं जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ जाएगा, ठीक है। तो ढूंढ लेते हैं दोस्तों कोई अच्छी सीटें इसी में से, ठीक है। यहाँ पर देखिए कॉम्प्लीमेंट्री ये सब ब्लू जो ऊपर जो कैटेगराइज किया गया है कलर वाइज, यहाँ पर देखिए कॉम्प्लीमेंट्री सीट है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 500 तक भी सीट अवेलेबल हैं, ठीक है। तो हम ये कॉम्प्लीमेंट्री जो सीट है उसी में से हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों जो कॉम्प्लीमेंट्री सीट्स अवेलेबल हैं उसी में से किसी एक सीट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमने ये सीट सेलेक्ट कर लिया है, ये बैठने के लिए बेटर है, तो ये देखिए हमारा जो सीट है सेलेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो दोस्तों हमने अपना जो फाइनली अपना सीट है वो सेलेक्ट कर लिया है, तो अभी हम प्रोसीड बटन पे क्लिक कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे हम प्रोसीड बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने देखिए दोनों सीट हमारा जो था वो फाइनली सेलेक्ट हो चुका है। तो अभी हम चेक इन के ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे ही हम चेक इन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशन दिख रहा है, तो आपको उसे अच्छे से पढ़ लेना है। और यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर मांग रहा है और ईमेल आईडी, तो हमें अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर प्रॉपरली फिल कर लेना है दोस्तों। तो जैसे कि हमने अपना मोबाइल नंबर फिल कर लिया है और आगे यहाँ पर अपना ईमेल आईडी भी फिल कर लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पर नीचे देखिए डेस्टिनेशन एड्रेस लाइन 1 एंड डेस्टिनेशन पिन कोड, तो आपको यहाँ पे आप जहाँ पर जा रहे हो आपका जो भी डेस्टिनेशन है वहाँ का जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। जैसा कि दोस्तों हमने अपना ईमेल आईडी यहाँ पर फिल कर लिया है, अभी हमें यहाँ पर डेस्टिनेशन एड्रेस यहाँ पे फिल करना है, तो हम चलते हैं ये डेस्टिनेशन एड्रेस फिल कर लेते हैं। डेस्टिनेशन एड्रेस फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर बगल में जो डेस्टिनेशन पिन कोड है वो भी प्रॉपरली फिल कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान रहे दोस्तों ये डेस्टिनेशन जो डिटेल्स फिल करें, डेस्टिनेशन का मतलब आप जहाँ पर जा रहे हो वहाँ का सब डिटेल्स, यहाँ पर एड्रेस और पिन कोड फिल करना है, ना कि आप जहाँ से जा रहे हो वहाँ का नहीं फिल करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर अपना जो डेस्टिनेशन पिन कोड है जहाँ पर हम जा रहे हैं वहाँ का जो पिन कोड है वो यहाँ पर हम फिल कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों हमने यहाँ पर अपना डेस्टिनेशन पिन कोड गूगल से निकाल के फिल कर लिया है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखिए नीचे कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं, आई एम नॉट COVID-19 पॉजिटिव एंड आई वाज डायग्नोस्ड, तो हम यहाँ पर आई एम नॉट COVID-19 पॉजिटिव के ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं क्योंकि हमें COVID-19 पॉजिटिव नहीं है, और एग्री एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे ही हम एग्री एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं
तो ये आगे नहीं बढ़ रहा है, मतलब कुछ हीरर यहाँ पर देखिए हमने डिक्लेरेशन एक्सेप्ट नहीं किया था, तो हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और दोबारा से एग्री एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। दोस्तों जैसे हम एग्री एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो वेब चेक इन है वो कम्प्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों सामने ऐड चेक इन बैगेज नाउ का ऑप्शन है, तो हम इसे क्लिक कर लेते हैं क्योंकि हमें चेक इन बैगेज का जो टैग होता है वो भी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जो पैसेंजर है उसका नाम दिख रहा है, यहाँ पर हम वन बैग का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं और जनरेट बैग टैग के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों जैसे हम जनरेट बैग टैग्स के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो बैग का टैग है वो जनरेट हो जाता है। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारा जो बैग का टैग है ओपन हो जाता है। ठीक है, इसे भी हम डाउनलोड कर लेते हैं और इसका भी प्रिंट ले लेते हैं। और यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में व्यू बोर्डिंग पास का ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक करके अपना बोर्डिंग पास भी डाउनलोड कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारा जो बोर्डिंग पास है वो भी डाउनलोड हो चुका है। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारा बोर्डिंग पास दिख रहा है, तो इसे वाइज पीडीएफ कर लेते हैं, तो ये भी हमारा पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि आपको ये दोनों बोर्डिंग पास और बैगेज का जो टैग है ये दोनों का प्रिंट लेके जब भी आप फ्लाइट के लिए बोर्ड करने जाते हो एयरपोर्ट पर, तो ये दोनों आप साथ में लेके जाइएगा, तो आपको एयरपोर्ट पर कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों, हमने ये दोनों डाउनलोड कर लिया है तो हम इसका प्रिंट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का हम प्रिंट कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने अपना जो बोर्डिंग पास है और जो बैग टैग है वो दोनों का हमने प्रिंट ले लिया है। ठीक है, तो अभी हमें एयरपोर्ट पर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो हम बिंदास जाएंगे एयरपोर्ट पे, अपना बोर्डिंग पास और जो बैग का टैग है वो दिखाएंगे और एंट्री कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप अपना बोर्डिंग पास ईजिली डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसी के साथ चलते हैं दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में।